और उधर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को गुमराह करने वाले असद के दोस्त की तस्वीर सामने आ चुकी है। असद को बचाने के लिए अतीन को भी प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया था। और असद ने अपना मोबाइल और एटीएम कार्ड अपने दोस्त अतीन को दिया था, जिसकी वारदात वाले दिन लोकेशन लखनऊ थी। 24 फरवरी के दिन जब प्रयागराज में उमेश पाल पर गोलियों और बम से हमला हुआ था, उस वक्त अतीन लखनऊ में असद का मोबाइल और एटीएम इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था, लेकिन वायरल वीडियो में असद फायरिंग करते हुए नजर आया और पुलिस ने एक्शन ले लिया। और इधर उमेश पाल हत्याकांड के बाकी फरार शूटर्स की तलाश भी अब बहुत तेज हो चुकी है। शूटर साबिर की तलाश में भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि साबिर जल्द ही एसटीएफ के हत्थे चढ़ सकता है। और इस बीच अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा शूटर साबिर की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर के सामने आने से पुलिस को अब उसे पकड़ने में मदद मिल सकेगी। प्रयागराज शूटआउट के बाद से साबिर फरार है। पुलिस ने साबिर पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि साबिर हत्याकांड के बाद 4 दिनों तक प्रयागराज में ही छुपा हुआ था। ये 10 तस्वीरें शूटर साबिर की है, जो उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद से फरार है। अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा है, इस पर 5 लाख का इनाम है। माना जा रहा है कि जल्द ये भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक और अशरफ केस के आरोपियों से जेल में फिर पूछताछ हुई, जिसके लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम देर रात प्रतापगढ़ जेल पहुंची, जहां सनी, लवलेश और अरुण मौर्य बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल में यूपी एसटीएफ ने तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जो 5 घंटे तक चली, जिसमें तीनों ने एक बार फिर बड़ा डॉन बनने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या की बात कही। जेल के अंदर तीनों से पूछताछ करने के लिए आगे भी यूपी एसटीएफ की टीम जा सकती है। और उधर अतीक अहमद के दफ्तर में खून मिलने के मामले में पुलिस ने शाहरुख नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि अतीक के दफ्तर में मिला खून उसी का हो सकता है, लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक शाहरुख अतीक के दफ्तर में चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था। इस दौरान उसे चोट लग गई, जिसमें खून बहने लगा। इसके बाद उसने वहां पड़े कपड़ों से खून साफ किया। अतीक के दफ्तर में चोरी के लिए शाहरुख अपने एक साथी के साथ गया था, जो दफ्तर के बाहर निगरानी कर रहा था। पुलिस ने शाहरुख के बयानों की जाँच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस उसके साथी की तलाश में भी जुट गई। कुछ दिनों पहले पुलिस को अतीक के दफ्तर से खून के धब्बे मिले थे, जिसकी जाँच में सामने आया था कि वो इंसान का ही खून था। और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अतीक अहमद के राजदार वकील खान सौलत हनीफ को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाए जाने के बाद कोर्ट में हनीफ ने अर्जी लगाते हुए खुद को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान सौलत हनीफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब उससे उमेश पाल हत्याकांड पर पूछताछ करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने सौलत हनीफ पर आरोप लगाया है कि उसने अपने मोबाइल से उमेश पाल की कई फोटो और अहम जानकारियां असद को भेजी थी, और 24 फरवरी को जिस वक्त उमेश पाल कोर्ट परिसर से निकले थे, उसकी जानकारी दी थी। हनीफ लंबे वक्त से कोर्ट में अतीक फैमिली का पक्ष रखता आ रहा है, और उमेश पाल अपहरण केस में वो उम्र कैद की सजा नैनी जेल में काट रहा है।